उस तो बाद इन्हां ने साडा माल 48 घंटे या 72 घंटे जरूर चकना हुंदा है, पर इन्हां नूं अज घट तो घट 20-20 दिन 25-25 दिन हो गए इन्हां ने साडा माल अजे तक लिफ्ट नहीं किया। इतने बहुत ज़्यादा आदियाँ बेचारे घरों आके रोटियां लैके वेले खाली तुर जाते हैं, कोई बेरोजगार है गया उन्हों का रुजगार चल जाएगा, जेडे मुंडे लेबर दे आते वह भी खाली मुड़ के वापस चले जाते हैं। बेरोजगार होते हैं तो ना साढ़े को कम है, असं वेले घर मुड़ जाइए, बाकी लिफ्टिंग करा नहीं रही सरकार देखो हम। उन्होंने करके थोड़ा जहा लेट होया, बाकी कोई लेबर की भी प्रॉब्लम सी, कल तक यह लिफ्टिंग पूरी शुरू हो जाएगी। लिफ्टिंग की इतने बड़ी 10 दिन तो कोई भी माल लिफ्ट नहीं हो रहा, तो इस करके सानू बहुत समस्या आ रही है, क्यों माल दी बोरियां थलू उन्होंने सौंक लगी जाती है, तो उन्होंने बुरा हाल होया पाया। नंबर एक, नंबर दो जी, इन्नी धुप पै रही उनके कारण ये माल की भी शॉर्टेज आएगी, ये सानू फिर इंस्पैक्टर कहेंगे भी सानू पूरा वेट दो। असी एक जिमीदार जदों माल आदा तुला के जांदा जी, उस तो बाद इन्हां ने साडा माल 48 घंटे या 72 घंटे जरूर चकना हुंदा है, पर इन्हां नूं अज घट तो घट 20-20 दिन 25-25 दिन हो गए इन्हां ने साडा माल अजे तक लिफ्ट नहीं किया, तो इस करके सानू बहुत ही मुश्किल आ रही है, बोरियां फट रही ने, चोरियां हो रही ने, तो साड़ी तो एडमिनिस्ट्रेशन अगे कोई बेनती है कि साडा माल जल्दी जल्दी लिफ्ट किया जाए, तो इस चोरी तो इस जो शॉर्टेज आने तो सानू बचाया जाए। डीसी साहब नाल भी गल हुई है, DFC साहब नाल भी गल हुई है, उन्होंने सानू आश्वासन दिता है, असी 4-5 बारी उन्होंने गल कर चुके, 4-5 दिन तो असी लगातार ही लगे हुए हैं उन्होंने मगर, पर अज कहते भी अज डिसीजन इनका हो जाएगा, तो इस करके उम्मीद है अज शुरू हो जाए लिफ्टिंग, तो बाकी अजे तक हो ही नहीं शुरू। कारण की दसा जा रहा, जगह जगह दसा जाता है भी एक इतने गडाउन बनया जी पन ग्रेन का जी, उनके अजे पूरी तरह कंप्लीट नहीं सी, तो वह हूँ कंप्लीट तो मतलब नज़दीक आया पे कंप्लीट, उत्थे ने माल लगाना चाहते जी, तो उत्थे FC वाले उन्होंने अप्रूव नहीं कर रहे, इस करके सर उसकी देरी हो रही है। बाकी अज FC वाले DM भी आए सी, सारे आए सी, तो अज कहते भी ये काम थोड़ा हो जाएगा, बाकी शाम तक पता चल जूगा सर। ना लिफ्टिंग नहीं हो रही जी काफ़ी टाइम तो, आ देखो तुहाडे सामने किन्नियां बोरियां लगियां पई हैं, ना सानू कोई काम मिल रहा, असं भी बहुत बेरोजगार होए पे हैं, तो ना साडे कोल कम हैगा, असं वेले घर मुड़ जाइए, बाकी लिफ्टिंग करा नहीं रही सरकार देखो हुण। सानू काफ़ी टाइम हो गया जी, इहनू हफ्ता को तो हो ही गया कम से कम, मंडी विच इस तरह ही है, कोई कोई चकीज रहे हैं विचों, देखो कोई एक अद्धी ट्राली भरेगी एक दिन च, कुछ एक अद्धी हो जाता बस, इस तो ज़्यादा नहीं भरीज रही है जी। लेबर का काम करते हैं जी असं बोरियां का, इकट्ठे करके स्टैग ला रहे हैं, देखो जी तुहाडे सामने स्टैग लगे हुए हैं, इस तरह स्टैग लवाई जा रहे हैं, बाकी लिफ्टिंग नहीं हो रही। देखी रहे हो तुम कणक के स्टैक लगे जा रहे हैं, कोई सरकार इन्ह वाले मुख नहीं रखती, स्टैक लगे रहे जा, कोई कारण बारिश का हो सकता है, कोई सरकार इधर ध्यान ही नहीं दिंदी, क्योंकि लेबर भी इतने बहुत ज़्यादा आदियाँ बेचारे घरों आके रोटियां लैके वेले खाली तुर जाते, क्योंकि कोई बेरोजगार है गया उन्हों का रुजगार चल जाएगा, जेडे मुंडे लेबर दे आते भी खाली मुड़ के वापस चले जाते।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਲਗਭਗ ਬਲੌਕ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਕ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਗਡਾਉਣਾ ਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗਡਾਉਣ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਬਣਾਓ, ਸਟੈਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਰ ਕੰਡਾ ਵਲੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪਈ ਆ। ਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਥੱਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਠ ਹੈਗੇ ਆ, ਆੜਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਟੈਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਭਗ 10-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਲੇਬਰਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਤਰਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਾ ਡਰ ਆ, ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।